प्रेम सागर जी इनसे भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी प्रेम सागर जी इनसा सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इनसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे जिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। पता था सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, पता नहीं था कैसे इस प्रेम को पा लेते हैं। सच्चे दाम से बिना दाम के पाए जा रहे प्यार लुटाया, दर दर के ठुकरायों को तूने अपने दिल से लगाया। जाए न गाया प्यार जो पाया, फिर भी गा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। क्या होता हमरा गर तेरा सहारा ना मिलता, हाल क्या होता हमरा गर तेरा सहारा ना होता। जमते मरते रहते गर सतगुरु प्यारा ना होता, जिंदगी सवारी रहमत बारी पाए जा रहे जी रहे हैं। सतनाम दाता
को अपने अपना मीत बना लिया। नजरे करम से ड्यूटी रहम से निभाए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे जिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम मेहरो नरेश जी इंसा भजन सुना रहे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे, कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे। कैसा बना है अनजान, जैसे नादान है जी। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे, कैसा बना अनजान, जैसे नादान है। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे। दुर्लभ जन्म मिला है, कैसा हो दुर्लभ जन्म मिला है कैसा। सारी चौरासी में नहीं कोई ऐसा हो दुर्लभ जन्म मिला है कैसा। सारी चौरासी में नहीं कोई ऐसा। हाथ से जाए फिर जल्दी ना आए, कोई ना इसको ज्ञान है जी। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे। इसको पाने में लगते बरसे हो देवी देवी से, इसको तरसे, इसको पाने में लगते बरसे। इसको पाए और नाम दिया है, हो जाए कल्याण है जी। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे। शराब लगा ऐसी उड़ाने हो पर जीव इसकी कदर न जाने। मांस शराब लगा ऐसी उड़ाने, पियो और खाओ जी ऐसी उड़ाओ। दुनिया का ये फुरमान है जी। कुछ भी न सोचे, कुछ भी न समझे।
पाई पाई इकट्ठी कर माया जोड़ी हो पाई पाई इकट्ठी कर माया जोड़ी तेरी तागड़ी तेरी लेंगे तोड़ी हो पाई पाई इकट्ठी कर माया जोड़ी तेरी तागड़ी तेरी लेंगे तोड़ी साथ न जाए यही रह जाए ले जाए शमशान है जी कुछ भी न सोचे कुछ भी न समझे सतनाम जी ने बड़ा समझाया हो जा सतनाम जी ने बड़ा समझाया काल ने तुझको बड़ा है भुलाया हो जा सतनाम जी ने बड़ा समझाया काल ने तुझको बड़ा है भुलाया अब भी जाग बना ले भाग फिर न मनुष्य बन आन है जी कुछ भी न सोचे कुछ भी न समझे कैसा बना है अनजान जैसे नादान है जी कुछ भी न सोचे कुछ भी न समझे कुछ भी न सोचे कुछ भी न समझे नंदन सतगुरु तेरे ही हैं सतगुरु तेरा ही आसरा चल दिए ओड़ी निभा सतगुरु के प्यारे दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे चल दिए ओड़ निभा के चल दिए ओड़ निभा के सतगुरु के प्यारे दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे चल दिए ओड़ निभा के सतगुरु के प्यारे दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे चल दिए ओड़ निभा के कल युग में प्रीत गुरु से कोई कोई लगाते हैं कहने को प्रेम सब कह लेते कोई कोई निभाते हैं सच्ची प्रीत लगा के चल दिए ओड निभाके सतगुरु के प्यारे दोनों जहां की खुशियों में लूट निकले चल दिए ओड निभाके कमाना मन को मनाना आसान कोई बात नहीं गुरु के जवानी लेख लगाना अरे गरे की औकात नहीं सब कुछ भेंट चढ़ा के चल दिए ओड़ निभा के
सतगुर के प्यारे, दोनों जहाँ की खुशियों के लूट के नजारे, चल दिए ओढ़ निभाते। लगा के प्रेमी मौत देख हर्षाते हैं, नूर स्वरूप प्रीतम प्यारे की गोद में बैठ के जाते हैं, झंझट सब मिटा के चल दिए ओढ़ निभाते। सतगुर के प्यारे, दोनों जहाँ की खुशियों के लूट के नजारे, चल दिए ओढ़ निभाते। पिता जी ने ऐसे लाल को जग में जन्म दिया, काल देश में रह कर जिसने सतगुर लिए हर कर्म किया, जय जयकार करा के चल दिए ओढ़ निभाते। सतगुर के प्यारे, दोनों जहाँ की खुशियों के लूट के नजारे, चल दिए ओढ़ निभाते। भागी जीव जो गुरु से ओढ़ निभाए जी, धन धन कहे धन धन कहे उन सबको जी, शब्द न और मिल पाए जी। सतगुर गोद सजा के चल दिए ओढ़ निभाते। सतगुर के प्यारे, दोनों जहाँ की खुशियों के लूट के नजारे, चल दिए ओढ़ निभाते। सतगुर के प्यारे, दोनों जहाँ की खुशियों के लूट के नजारे, चल दिए ओढ़ निभाते, चल दिए ओढ़ निभाते, चल दिए ओढ़ निभाते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ, घोर कलयुग का समय है और इसमें अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब से प्यार मोहब्बत करना, अच्छे नेक कर्म करना है तो बेमिसाल, लेकिन ऐसा कर पाना हकीकत में इस युग में बड़ा ही मुश्किल है। लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दोगलापन आम नजर आता है। कोई मालिक से प्यार करे, अच्छे नेक कर्म करता हुआ आखिर तक ओढ़ निभा जाए, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मालिक का रहमो करम उस जी पे हो जाता है कि उस जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में ऐसा कर्म हो नहीं सकता। अच्छे कर्म करना, भले कर्म करना, सबका भला सोचना, भला करना हो सकता है या संभव, अगर इंसान प्रभु के नाम का सुमरण करता रहे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की याद में टाइम लगाता रहे। आदमी को चाहिए विल पावर, किसी भी काम में तरक्की के लिए, किसी भी काम में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है,
और वो है आत्मविश्वास, विल पावर। चाहे आप किसी साइंसदान से पूछ लो, चाहे धर्मों में चले जाओ, हमने सभी धर्म पढ़े, विज्ञान को पढ़ा, हर जगह ये लिखा है कि अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप अच्छे नेक कामों में हमेशा तरक्की कर सकते हैं और मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आप हिम्मत करेंगे। तो वाकई बड़े भाग्यशाली वो कुल होती है, परिवारजन होते हैं जिनके बच्चे इस घोर कलयुग में मालिक की भक्ति करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वरना मन बड़ा जालिम है। इतना अहंकारी हमने लोगों को देखा है कि हम चाहे नॉर्मली बात किसी को कुछ नहीं कहते कि भाई ये तेरी बात, वे मेरी बात, ये फलां की बात, अच्छे काम करो, भले कर्म करो, लेकिन मन इतना जालिम है, अहंकार से कभी झुकने नहीं देता, कभी नहीं। और ऐसे लोग जिंदगी में बड़े दुखी रहते हैं, हर तरफ से दुखी, हर तरफ से परेशान, टेंशनें उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो भाई ये जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरण करें ताकि आत्मविश्वास आए। फकीर को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये बन्ने का ये नन्ने का, उनके लिए तो सब एक जैसे हैं। वो तो बात कहते हैं, आदमी का अहंकारी मन नहीं सुनता तो ये बात अलग है, वो तो बात कहते हैं, ये तेरी बात है भाई, ये इसकी बात है, ये मेरी बात है, ये राम की बात है, ये दुनियादारी की बात है, आगे नहीं मानना ना मानो, और मानना है तो सुखी रहो, नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। संतों को कोई गुस्सा नहीं आता कि मेरी बात क्यों नहीं मानते, बल्कि दुख आता है कि अगर संतों की बात नहीं होती, वो ओम हरि अल्लाह राम की बात होती है, उसको अगर कोई मान ले तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाए, ना माने तो खुद के जन्मों के और पिछले जन्मों के पाप कर्म उठाने पड़ते हैं। तो अहंकारी है मन, जालिम है मन, इंसान को झुकने नहीं देता। नॉर्मल बात को भी बात से बतंगड़ बनाना, पहले कहावत होती थी कि माता बहनें बात को बतंगड़ बनाती हैं, आज भी है, आज तो कई गुना बढ़ गया प्रोग्राम, लेकिन आज भाई भी नेक टू नेक मुकाबला है, कम भाई भी नहीं है। बात को बतंगड़ बनाना, पंख के बिना डार बना देना आम बात है। तो अपने खोपड़ में, अपने दिमाग में ये बात नहीं बिठाना कि भाई फकीरों को किसी से क्या लेना देना, उनका तो काम सबका भला करना है, किसी तरह भला हो जाए। पर इंसान का मन अहंकारी होता है तो मानने नहीं देता, पर फिर भी जो मान के अपनी वो आखिर तक ओढ़ निभा के चले जाते हैं, बाकी उनके बराबर हीरे जवाहरात तो क्या, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ऐसे ओढ़ निभाना एक तरफ।